हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्थानीय 58 में। हम आपके को अब चालू करते हैं। हमारा टारगेट है यूपी पुलिस। हमारा टॉपिक क्या है? त्रिभुजों की गणना। आज हम त्रिभुजों के बारे में सीखेंगे, त्रिभुजों कैसे कैसे हम गिनते हैं, आकृति में त्रिभुजों की गणना देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। इसमें से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ट्रेनर का पूछा जाता है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है एस के स्थान 58 रीजनिंग या मैथ्स भाई शाखा सर। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमारे कुछ टॉपिक पड़े हुए हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम त्रिभुजों की गणना। पहले त्रिभुज होते क्या चीज है? देख रहे त्रिभुजों की गणना, पहले हम त्रिभुज करेंगे। देखिए, ये तीनों के तीनों क्या है? ये त्रिभुज हैं, 1 2 3। और देखिए, मैं आपसे बोलूँ इसमें कितने त्रिभुज हैं सर के, आप बोलेंगे सर इसमें एक ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल हैं? एक। अब मैं सोचूँ भाई अब इसमें कितने ट्रायंगल हैं, आप कहेंगे कि सर इसमें तो 1 2 ट्रायंगल है। गलत है, 2 नहीं, इसमें 1 2। इनको आपस में जोड़ दो, 1 + 2 बराबर कितने हो गए? 3। और मैं बोलूँ भाई इसमें कितने ट्रायंगल हैं, देखो आप कहेंगे 1 2 3 4। गलत है, इसमें 4 नहीं होंगे। आप ये भी सोचे हो ना, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, वो गलत है, ऐसे नहीं होगा। देखो 1 2 3 4, सभी को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 है, इसमें ट्रायंगल 3 है, इसमें ट्रायंगलों की संख्या 10 है। तो भाई समझिए, फिर कितना बता रहा हूँ। देखो, यदि इसमें बीच में डंडा यानी अवलंब की तरह डंडा आ जाए तो 1 2 2 भाग में उठेगा, दोनों को जोड़ दो। और ये ना कैसे 1 2 क्या है, ये मैंने गिनती ली है 1 2, जैसे 1 2 3 4, इस आपस में सभी को जोड़ दो। आपको जोड़ने में दिक्कत आती है तो मैं आपको एक नया फॉर्मूला या नई ट्रिक और बता दूंगा, उससे आपके जो त्रिभुजों की गणना वो बिल्कुल ठोस हो जाएगी, पक्की। आप सेकंडों में निकाल दोगे इसमें, ज्यादा 5-6 सेकंड में, ऐसी बताऊंगा 5-6 सेकंड में उत्तर दोगे। तो देखिए, मैं इसको मिटाता हूँ भाई और ट्रिक के बारे में बताता हूँ। देखिए भाई, अब मैं बोलू कि भाई इसमें कितने ट्रायंगल है, अब मैं तुमसे घूम भाई इसमें कितने ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी। अब मैं घूम के इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे, बताइए। देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। देखिए भाई, अभी बताया था 1 2 3 4 5 6, ये कितने लिए? 6। देखो, मैंने पहले बताया था आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, सबको जोड़ के 5 उत्तर आ जाएगा। देखो 6 5 11 4 15 15 3 18 2 20 21 21, ये आया था। और देखिए 21 में आपने जोड़ा, टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं, पर इससे और कुछ इसमें भी आपकी टाइम की बचत होगी। देखो मैं बताता हूँ, ये होता है 6, यानी इसका फॉर्मूला n n + 1/2। ये भाई नंबर सिस्टम में संख्या खुद ही मैथ में चलता है, पर ये यहाँ भी काम कर जाता है। इससे देखो कैसे करेंगे, n का मतलब होता है, n हमारी संख्या होती है, जो दी हुई संख्या होती है लास्ट में फाइनल में। तो देखिए n हमारी कितनी है, 6, यानी संख्या। सूत्र याद रखने की बिल्कुल याद मत रखो भाई, सूत्र याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि n n + 1/2 कौन याद रखेगा, कोई मत याद रखो भाई। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक काउंट करो, संख्या गुणा अगली संख्या, 6 तक अगली संख्या कौन सी होती है, 7।
संख्या गुणा अगली संख्या बटे दो, दो तिया सातिया इक्कीस। बताओ भाई सारे के सारे ठोको लाए फटाफट, देखो कितना मैंने अच्छा सॉर्ट किया है। इससे आधे टाइम में ये हो गया, अब देखो इसमें एक दो तीन चार पाँच, अब देखो चुटकिया में हो जाएगा कितनी संख्या, पाँच संख्या गुणा अगली संख्या बटे दो, दो तिया छः पांती पंद्रह, त्रिभुज कितने हो गए पंद्रह। बताओ जोड़ना एक प्लस दो प्लस तीन चार पाँच, इनको प्लस में लिखो फिर इनको जोड़ो, भाई आपको टाइम की शॉर्टेज पड़ती है, आपको टाइम की बचत होनी चाहिए। संख्या गुणा अगली संख्या बटे दो, कैसा लगा भाई? फटाफट लाइक ठोकिए शेयर कीजिए, और बताता हूँ एकर इसमें बताइए मुझको आप कितने त्रिभुज होंगे। यदि आपका ऐसा कोई सवाल ऐसा बनता है तो आप इसे चुटकियों में तोड़ सकते हैं भाई, चुटकियों में सेकंडों में। देखिए भाई देखिए भाई, ट्रायंगल ए ट्रायंगल नंबर बी, इसमें बताएंगे आप कितने ट्रायंगल की संख्या त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। देखिए मैंने पहले बताया था, इन्हें को काउंट कर दीजिए, यानी पहले इन पर नंबर डाल दीजिए कितने कितने खाली कितने डिब्बे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, इसमें डाल दिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक और बढ़ा लो ठीक है। एक और बढ़ा देता हूँ इसमें, ये तो फिर इक्वल हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। और देखो इसमें आप जोड़ोगे छ प्लस सात प्लस पाँच प्लस चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक, ऐसे जोड़ोगे टाल देगा। अरे सूद गोली मारो धूल उड़ाओ ना, बस गर्दा उड़ाओ। संख्या गुणा अगली संख्या बटे दो करो ना, सीधा आंसर दो चौके आठ सात चौके अट्ठाईस। क्या इसमें कुछ नहीं, कितनी संख्या गुणा अगली संख्या बटे दो, दो चौके आठ नौ चौके छत्तीस। क्या है भाई बताओ कितना कितना टाइम लगा इसमें, कुछ नहीं। वीडियो को लाइक से ठोकिए करिए, ठोकिए लाइक फटाफट यार, लाइक नहीं करती हो कमेंट की ये वीडियो को शेयर करो भाई, कितना अच्छा टॉप पढ़ा हूँ, ट्रायंगल दूर से उड़ा रही हो। देखिए मैं एक टैग कौन बताता हूँ, देखिए एक मैं आपको बड़ा त्रिभुज दे रहा हूँ, बहुत ही बड़ा त्रिभुज, आप मुझे इससे करके बताएंगे इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। इसमें बताइए भाई सभी के सारे भाई, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? देखो खूब अच्छा क्वेश्चन है और खूब लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। आवाज बोलिए, आवाज देखिए ऐसे करके बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी होगी, और ये बताया उसी के साथ बताइए। देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। देखिए अब इसमें आपको जोड़ने में दिक्कत हो जाएगी, और जो मैंने संख्या वाला बताया जो मल्टीप्लाई बताया गुणा वाला बताया उससे दिक्कत नहीं होगी। देखो आप चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक जोड़ेंगे काफ़ी टाइम लगेगा। देखो संख्या गुणा अगली संख्या बटे दो, दो सत्ते चौदह पंद्रह सत्ते एक सौ पाँच,
त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 105। बताओ कितनी ज्यादा, 3 से 4 सेकंड का टाइम लगा है इतने बड़े ट्रायंगल में त्रिभुजों की संख्या निकालने में, कितना टाइम लगाया 3 से 4 सेकंड, 105 ट्रायंगल होंगे इसमें, समझे भाई। लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को भाई, दूर उड़ा दोगे गड्ढा, मैं कह रहा हूँ रीजनिंग में गड्ढा उड़ा दोगे, वही जो करा रहा हूँ वही कर लो, इससे बाहर भाई कुछ नहीं आने वाला है। और देखिए मैं आपको एक और ट्रायंगल के बारे में नहीं, जो अपने आप में वो अपवाद होते हैं, यानी जो होते हैं अपवाद होते हैं, जैसे कि ये त्रिभुज है भाई, आप बताओगे सर इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप कहोगे सर इसमें 3 त्रिभुज हैं, चलो ठीक है। यदि मैं कहूँ कि भाई इसमें कितने ट्रायंगल हो गएंगे, आप इसे बता रहे इसमें कितने होंगे, मैं कहूँ कि भाई इसमें बताना कितने ट्रायंगल होंगे, आप बता सकता है इसमें कितने ट्रायंगल होंगे भाई, कोई बंदा बताएगा इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। ये देखो काउंटर में अपने आप फिक्स हो जाती है, तो ऐसे त्रिभुजों को याद रखने की जरूरत है, इसमें 16 ट्रायंगल होते हैं। यदि देखो बीच में लाइन है, एक इससे लाइन है एक इससे लाइन है, तो इसमें 100% 16 ट्रायंगल होंगे, इसमें ज़्यादा नहीं होंगे कम भी नहीं हो सकते, फिक्स है कि इसमें 16 ट्रायंगल होंगे। यदि मैं आपको बोलूं कि भाई इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें बताइए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे भाई, आप कंफ्यूज होंगे सर इसमें कितने होंगे, देखो एक 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 इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, एक 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 कितने हो गए, 4 4 का 2 कर दीजिए 4, देखो 1 + 1 + 1 + 1 2, ये आप अपने आप में भाई फिक्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 4 2 8 देखिए इसमें कुछ समझे, इसमें को देखो बीच में तो इसमें मिलाने इसमें मिलाने इसको नहीं मिलाने, ये लाने तो इसमें 8 है, ये बढ़ गई तो इसमें 16 हो गई, यानी 8 ट्रायंगल और बढ़ा दिए, तो कंटस्टर आ गया। अब आपसे बोलूं भाई इसमें कितने ट्रायंगल होंगे भाई, अब मैं आपसे कहूँगा भाई इसमें कितने ट्रायंगल होंगे भाई, इसमें भी 8 होंगे, जब इसमें 8 है तो इसमें 8 है, यहाँ लाइन यहाँ से आ रही है और यहाँ लाइन यहाँ से जा रही है, बात तो एक ही है, इसमें कितने होंगे 8, इसमें कितने होंगे 16। जे आप याद करने की जरूरत है भाई, याद रखना कि इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, समझे नहीं समझे। और देखो नोट कर, तो भाई नोट कर लेना वीडियो कर, और बताता हूँ भाई, और देखिए यदि आपको कोई पूछे कि भाई इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, आपको बहुत से ऐसे पूछते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है, देखो ये नहीं करना आपको कि 1 2 3 और सर इसमें 3 होंगे, सीधी देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितनी लाइन नीचे पड़ी हुई है उनको गिन लो, बस उतनी लाइन है उतने ट्रायंगल, 1 2 3 इसमें त्रिभुज होंगे 3। अब मैं आपसे बोलूं भाई सारे के सारे दोस्त बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं, अभी बताया मैंने वाला बिल्कुल बेस है, देखो इस सेम इसी तरह कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 इसमें 5 ट्रायंगल होंगे, इसमें कितने होंगे 5 ट्रायंगल होंगे। इसमें देख ऐसी स्थिति ऐसी कंडीशन आती है, आकृति ऐसी आती है, तो उनमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइन देखनी है कि हमारी नीचे लाइन जो पड़ी लाइन हुई है वो कैसी कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5। और देखिए भाई यदि मैं आपसे बोलूं भाई भाई हम तो ज्ञान बताओ ज्ञान कितने त्रिभुज होंगे, मैं आपसे बोल रहा हूँ इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो आपका दिमाग कंफ्यूज
ये बोलेंगे सर ये आपने क्या दे दिया, ये तो खेल कर दिया पूरा। अरे भाई ये खेल नहीं, अभी मैंने बताया कि इसमें देखो सिर्फ लाइनों की गिनती करनी है, लाइनें कितनी है उतनी लाइनें उतने ट्रेंगल होंगे इस आकृति में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोबारा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 त्रिभुज कितने होंगे 11। 11 से न 10 होगा न 12 होगा, जितनी लाइन उतने ट्रेंगल। इसे खोपड़ी में रख लो, मैंने दो तो ऐसे जो फिक्स होते हैं, तीसरा टाइप भी बता दिया, वो पहले बता चुके हैं, और एक टाइप और बाकी है उसको भी करा देती हूँ। और देखो ये आपको पता है कि इसमें कितने 3 ट्रेंगल है। अगर मैं इसमें लाइन कट कर दूं तो इसमें कितने ट्रेंगल होंगे भाई, और कह देंगे ये क्या किया। देखो कुछ नहीं, 1 2 1 2 कोई दिक्कत। देखो इसको कई तरीका से समझना, 1 2 कितने हो गए 3, जोड़ दो 1 2 कितने हो गए 3, 3 + 3 कितने हो गए 6। और देख लो इसी में लाइनें कितनी है 1 2 भाई 1 2 3 तो ट्रायंगल हो ही रहे हमारे, और लाइनें कितनी है 1 2 बराबर छह। क्या समझे भाई, देखो 1 2 3 तो ट्रायंगल हमारे जोड़ के हो ही रहे हैं, और लाइनें कितनी है 1 2 दो लाइन का गुणा कर दीजिए क्षेत्रफल। यदि मैं आपसे बोलूं, देखो यहीं पे मेंशन कर दिया हूं, हमको भाई इसमें कितने ट्रायंगल होंगे ये बताएगा, मुझे इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, या कहेंगे सर ये तो कुछ घुमा दिया। तो देखिए 1 2 कितने हो गए 3, 3 हो गए भाई, 1 2 3 लाने 3 का गुणा कीजिए, ट्रायंगल कितने हो गए 9। और वैसे भी गिनो, देखो 1 2 या 3, 1 2 या 3 बनेंगे, 1 2 या 3 बनेंगे, 3 और 3 4 3 9 बात एक ही है। या तो निचले त्रिभुज गिनो और लाइनों की संख्या का गुणा कर दो, कि जितनी लाइन है उतनी संख्या का उसमें गुणा। ऐसे नहीं कर सकते आप, सीधा के लिए देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जुड़ के कर लो। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन करो भाई, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बताओ भाई, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखो 1 2 इतना गिन लो बस, इस निचले डिब्बे में कितने 3 ट्रायंगल हैं। या तो देखो जब इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 हो, यहाँ तक भी 3, कोई दिक्कत नहीं। देखो गुणा से करो 3 गुणा, लाइनें कितनी है जो पड़ी हुई है 1 2 3 4 5, 5 का गुणा करिए 3 5 15, बताओ कितनी शॉर्ट ट्रिक है, कितना बेस्ट मेथड है, सेकेंडों में उत्तर हो रहा है। वैसे कर लो देखो 3 3 यहाँ बनेंगे, 3 यहाँ बनेंगे, 3 यहाँ, और 3 भाई यहाँ पे बनेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 कितने हो गए 15 से कुछ होकर, यानी 3 + 3 + 3 + 3 + 3 1 2 3 4 5 सभी का जो 2 15 और जो मैंने होता है ऐसे करो 2 15। मैं आपके लिए एक होमवर्क के लिए देता हूँ भाई, मुझे इसे करके उतारा, कमेंट पर आंसर चाहिए, बुखार नहीं आना चाहिए, यदि समझे सने दिया बुखार हो गया भाई, बुखार वाले को टेंशन नहीं, देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है,
ठीक है भाई। जैन भाई त्रिभुजों की संख्या इसमें कमेंट में बताना, इसमें त्रिभुज कितने होंगे। ठीक है, चलते हैं भाई, आज के लिए इतना ही काफी, और हम कल और आपको लेकर आएंगे।